एक्ट्रेस लवीना लोध ने नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से एक्सक्लूसिव बात की है। बातचीत में लवीना ने कई शॉकिंग बातें बताई हैं। महेश भट्ट का एक फोन और आपकी जिंदगी बर्बाद, ये खुद में बहुत बड़ी बात है और बॉलीवुड इंडस्ट्री से लेकर आम लोगों के लिए ये बहुत बड़ा शॉक है। देखिए लवीना को महेश भट्ट और उनसे जुड़े लोगों के कितने राज पता हैं। ये कौन सा साल था लवीना जी जब आपको पता चला कि आपके पति इस तरह के गलत काम में इन्वॉल्व हैं, जिसमें ड्रग शामिल है, लड़कियों की सप्लाई शामिल है या महेश भट्ट के साथ गुंडागर्दी और डॉन वाली बातें सप्लाई हैं? ये कौन सा समय था, कौन सा साल था? 2000 देखिए, जो ड्रग्स की बात है वो 2010 से मुझे पता था कि मेरे पति करते हैं और ये ऑन एंड ऑफ छुप छुप के करते थे। तो लेकिन जब इन्होंने 2013 से 2015 तक मैं इनके साथ काम करने लगी, तो मैं आई वॉज पार्ट ऑफ विशेष फिल्म, तब मैंने बहुत ज़्यादा इलीगल एक्टिविटीज होते हुए देखी, इनको ड्रग्स लेते हुए देखा, ड्रग्स देते हुए देखा, ड्रग करते हुए देखा। लड़की की फोटोज ये मुझे बताते थे, बोलते ये डायरेक्टर्स लोग के लिए है, करना पड़ता है। फिर जब एक वारदात ऐसी थी जहाँ ये महेश भट्ट को पूछ रहे थे कि एक्टर एक्ट्रेस मांग रही है, क्या करूँ, तो महेश भट्ट ने कभी बोला कि मेरे तक बात मत ला, जो इनको चाहिए सप्लाई कर। फिर ये डायरेक्टर भी बोलते कि एक्ट्रेस को करने दो, जोन में आएंगे, परफॉर्मेंस अच्छा देंगे। तो ये सब मेरी आंखों देखी बात है, मैं एक इंसाइडर रह चुकी हूँ जो जिसने ये जिया है, देखा है, और मैं वही आज आके बाहर बता रही हूँ कि ये कैसे गंदे कामों में शामिल है। क्या आपने विशेष फिल्म में कई लोगों को ड्रग्स लेते हुए देखा? क्योंकि आप वहां पे काम कर रही थी, वहां पर भी लोग, काम करने वाले लोग भी ऊपर से नीचे तक ड्रग्स ले रहे थे? वेल यस, मैंने कई लोगों को ड्रग्स लेते हुए देखा है, और सिर्फ मैंने ही नहीं, सबने देखा है। जो मैं बोल रही हूँ ये सबको पता है कि ये सच है, लेकिन कोई आगे आके बोल नहीं रहा है क्योंकि सब डरते हैं और कोई महेश भट्ट के अगेंस्ट नहीं जाना चाहता है। सबको पता है कि जैसे ही ये बोलेंगे, सबसे पहले ये आदमी उनका काम बंद करवा देगा, उनका करियर खत्म हो जाएगा, वो मतलब जीने के लायक ही नहीं रहेंगे। बिकॉज जैसे आप जानते हैं कि महेश भट्ट बहुत ही पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल आदमी है, और इतना पैसा है, ये पैसा फेंक के काम करा लेते हैं, या एक फोन कॉल पे लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, इसीलिए कोई आगे आके बोल नहीं रहा है। मैं कुछ नया नहीं बोल रही हूँ, तो मैंने देखा है और तो मैंने बोला है। क्या आपने महेश भट्ट साहब को भी ड्रग्स लेते देखा? जी, मैंने महेश भट्ट साहब को ड्रग्स लेते हुए नहीं देखा, लेकिन जब मेरे पति ये सब कर रहे थे तो मैंने महेश भट्ट की बहन को ये बातें बताई कि सुमित ड्रग्स ले रहा है, दे रहा है, लड़की के साथ संबंध रख रहा है। तब मुझे महेश भट्ट की बहन ने बोला कि तो क्या हुआ, महेश और मुकेश भी करते हैं। वो एक समय था कि वो हैवीली इंटू ड्रग्स और अल्कोहल में थे, महेश और मुकेश, लेकिन तुम ये सब बातों पे ध्यान मत दो, तुम अपना शॉपिंग पे ध्यान दो, ऐसा मुझे उनकी सिस्टर ने कहा था। आपकी सास ने? नहीं, मेरी सास ने नहीं, ये महेश भट्ट की रियल सिस्टर है, कुमकुम सहगल, और ये सुमित सबरवाल जो मेरे हस्बैंड है उनके साथ साथ में एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है, मतलब शी इज पार्ट ऑफ फैमिली। और इनके जो बेटे हैं साहिल सहगल, जिन्होंने उस पर सूट फाइल किया है, वो मेरे देवर है।